जो लाया से यार झेडा नहीं कितिया किसी ने व्याह किता बेतर आना यार भी मेरा आपका इंस्टाग्राम जो सोशल मीडिया है वह इन्होंने बंद करता मैं किसानी पोस्टा शेयर नहीं कर सकता क्यों ये आजादी थोड़ी है किसान का नहीं कर सकते आप किसान नहीं खड़ सकते साढ़े माँ प्यो ना असं अपने माँ प्यो ना नहीं खड़ सकते फिर आप कि खड़ा भाई भाई ये थप्पड़ ही उन्होंने मूँह के उत्ते उन्होंने बंद मूँह चपेट है जिन्होंने समझ नहीं आ रही हूँ तक भी असं साथ कि देना चाहिए आम लोग तो इन्हू पढ़ के लंघ जाते हैं उन्होंने ऐ लगता भी ये वधिया खड़े ने कोई गुठे खड़े कर जाते हैं सूँ ए करके बहुत वधिया। सत श्री अकाल दोस्तों मैं गुरप्रीत कोटली तो इस वक्त जरा मौजूद हाँ थ्री बी टू के मोहाली के मुंडे नवे आए थे तो इन्हों नाल दी नाल जिहड़ा हैगा भरा वर्ग दस रहे इधरले पास सारे दिखा देंगे इन्होंने जिहड़ा हैगा फार्मर सपोर्ट वास्ते आह टेंट लाया होया तो लगातार बैठे हैं तो थ्री बी टू जी मार्केट आप अगे जितों गेड़ी रोड शुरू होंगे है ना चंडीगढ़ उत्थे इन्होंने लगातार क्या व्या भी भाई आवारागर्दी घटाओ जमीर जगाओ लगातार यहोजे तो उदो बिना होर स्लोगन के लोगों लोगों दस रहे जिमें बई आया तो अज मैं बई आया हमने इन्हें आके जोड़ा है इतने पाँच मिनट खड़ूगा दस मिनट खड़ो जिन्ना भी टाइम लगता है ना तो भी वेद की है लोगों के अवेयरनैस आए क्योंकि यह इलाका ही यहोजा जो इधरले पास दिखाई माड़ा इंद्रपाल पिछन यह जोड़ा है भीड़ भाड़ वाला इलाका लगातार इतने रहा जोड़ा हमेशा ही लोग आते जाते रेंदे है तो हमेशा आप भी इतों जोड़ा पूरे जोड़ा है मोहाली मैसेज आता जो आप गल करिए पूरे जोड़ा है देश के मैसेज आता बंगण पुछद भी कितों कितों ये मुंडे खड़े है ये किन भाई किन्ना चिर हो गया तुम इत भाई जदों का दिल्ली मोर्चा शुरू होया उस तो तकरीबन हफ्ता के बाद 3 दिसंबर के नेड़े तेड़े से इतने मोर्चा ला लिया लिखा पाया सानू तो लग नहीं रहा कि आजाद हो गए की कारण भाई आजादी का मतलब होंगे डेमोक्रेसी जिस थोड़ू बोलने का भी आजादी थोड़ू लिखण की भी आजादी होंगी है पर मैं अपनी परसनल गल दसदा भी मेरा आपका इंस्टाग्राम जो सोशल मीडिया है वह इन्होंने बंद करता मैं किसानी पोस्टा शेयर नहीं कर सकता क्यों ये आजादी थोड़ी है आजादी उ भी मैं जो मेरे दिल की गल है हाँ वो ये जरूर है भी वह गल किसी हट ना करे पर जे हूँ मैं सरकार के विरुद्ध आवाज़ चकना जे सरकार काम ही यहोजी करूगी मैं सरकार के विरुद्ध आवाज़ चकूँगा तो बस ये सरकार अपने खिलाफ़ बोलन नहीं देना चाहती वह फिर कितने की आज़ादी है। सो ये जरा माई का कहना कि जोड़ा है सानू तो लगता कि असं आजाद नहीं जो आप इधरले पास गल करिए भाई वर्ग हूँ आया तो भाई हूँ ही इतों जरा है चक्या की सोच के ये चीज़ का कोई फर्क पैंता है बंदे खड़ते हैं। हाँ जी भीर जी मेरा डिस्ट्रिक्ट फतेहगढ़ साहब मैं ना उरे समान लेना आया सी थ्री वी टू मैं देखा मेरे किसान भरा सारे खड़े असी क्यों ना खड़ीए असी क्यों वारा कर दें करिए मेरा दिल करे मेरी गड्डी वो खड़ी आ मैं उतर के आके चक्या डेमोक्रेसी इंडिया भरा दे भाई तुसी भी हुणे जिहड़े दो तीन जने आके हुणे जिहड़ा हैगा स्लोगन इन्हां तों लैते की सोच के भाई देखो आपां हुण शुरू तो किसान ही रहे हैं ठीक है तो साढ़े फैमिली भी किसान सी आपां सारे इकट्ठे हो गए अगर किसानां दा नहीं कर सकते आपां किसानां नाल नहीं खड़ सकते साढ़े माँ प्यो ना असीं अपने माँ प्यो नाल नहीं खड़ सकते फिर आपां किहनां नाल खड़ांगे भाई ये साढ़े माँ प्यो है जिन्होंने सानूं जन्म दिता जिन्होंने जिन्हां दी रोटी खा के असीं इन्ने बड़े होए हैं अगर असीं उन्हां दा साथ नहीं दे सकते तो फिर साडा इस जिंदगी च आउण दा की फायदा भाई इस करके भाई आप थोड़े नाल खड़े आप किसानों नाल खड़े आप किसे नाल नहीं खड़े सानू किसे नाल कोई मतलब नहीं सानू कोई सरकार नाल नहीं मतलब सानू किसे नाल मतलब नहीं सानू सिर्फ मतलब है किसानों नाल उन्हां दी आजादी नाल उन्हां दी आजादी किवें आऊंगी भाई जदों ये बिल पास होंगे। लगातार जे आप गल करिए भरा वर्ग खड़े आ ये जे आप कहिए इन्हां ने भी हुणे जिहड़ा आ के इन्हां तों ताकतियां लैतियां ठीक है इधरले पासे जिहड़े भरा हैगे इह परमानेंट तौर पर जिहड़े हैगे खड़े रहिंदे आ अबोर वाले हो गए फतेहगढ़ साहब है ना अलग अलग रोपड़ वाले आ सो लगातार इत्थे चलदा रहिंदा जिहड़ा लोकल लोग आ उह देख देख के लंघदे रहिंदे आ इधरले पासे दो जिहड़ियां आपां ताकतियां दी गल करिए इन्हां ने लिखिया होया गेड़ी घटाओ किसानां नाल आओ आवारागर्दी घटाओ जमीन जगाओ इह मतलब की भाई ये थप्पड़ ही उन्होंने मूँह के उत्ते उन्होंने बंदे के उत्ते मूँह चपेट है जिन्होंने समझ नहीं आ रही हूँ तक भी असं सानू साथ किता देना चाहिए आ जिहड़े हाले भी गेड़ियां लाउंदे फिरदे ने ते हाले भी मतलब कि मुछां नूं गेड़े दे के तुरे फिरदे ने गलियां दे विच इन्हां नूं शर्म नहीं हैगी असीं ये गल कहिंदे आ वी इन्हां दा फर्क किन्ने किन्ना किहनूं पैंदा आ इहदा फर्क वीरे उस नूं पैंदा जी जमीर जागदी आ नहीं आम लोग तां इहनूं पढ़ के लंघ जांदे ने उन्हां नूं ऐ लगदा वी ये वधिया खड़े ने कोई ना गुठे खड़े कर जांदे ने सानूं ऐ करके इह बहुत वधिया सानूं ना मतलब रिस्पोंस हैगा बई पर ना इत्थे खड़ के पता लगता भी किवें दी ऑब्जरवेशन किवें दी है लोगों की किस तरह के लोग आउंदे ने एक तो बंदा आउंदा जी इत्थे सारी सपोर्ट करके जाणगे तुहानू समान भी दे के जाणगे सब कुछ करके जाणगे पर एक बंदा इहजा हुंदा है जिहड़ा भी सिर्फ तो सिर्फ दिखावे पखों भी हाँ भी यार कितें मैनू कदी मेरे दोस्त ना कह देण भी यार भी मैं किसानां दे नाल खड़े नहीं इहजे लोग भी जिहड़े मल्लों मल्ली झंडे चक्की फिरदे ने वो लोग ज़्यादा ने
तो वह जो उन्होंने तो जो संघर्ष है भी उन्होंने नाल नहीं है भी आप कहने भी जो बंद पां चार दस बंद ही ने जोड़े बंद दिलों जुड़े हुए हैं उन्होंने करके असं ये कहने भी हर एक इंसान गेड़ी घटानी चाहिए है। हूँ इस टाइम यार हूँ जो इतिहास है ना वो आपके आप चाली चाली पंताली पंताली साल तक पलटी नहीं मारता पर जो तो पलटी मारद भी उदो हफ्ते मार जाता है तो वह हफ्ता हूँ चल रहा थोड़ा साल ये हफ्ते वागू ही है वह हफ्ते के ही पलटी मार जूगा तो सू बे रल के हथ पवा के पलटी मरा देनी चाहिए। बई जो है कि फर्क पाया जरा किसान अंदोलन ने आप कहने बजुर्ग लीडरशिप चाहे अड्ड अड्ड तरह का कोई इल्जाम लगते रहेंगे है ना तो कि नौजवानों का कि मन बदलिया बई ये चीज़ बई इत सू तो बहुत पता लगता भी नौजवान जरा मन आहुत ज़्यादा बदलिया हो क्योंकि साढ़े को रोज़ डेली के अपने बहुत काफ़ी नौजवान नेड़े आके खड़ते जो तो अभी शुरू कराए उदो ये गल है भी नहीं सी तो उदो सा तख्तियाँ वगैरह भी इदा दिन होंगे सी हूँ साढ़े को सारा सिस्टम तख्तियाँ वगैरह बहुत वधिया लाई असी इस करके सू वधिया रिस्पोंस मिलता तो लगातार जो आप गल करिए भरा वर्गे जोड़े है लंघते सके हम तो अब जो लंघते अब पहली बार आया तो गुरकीर सिंह मैं पहली बार आया गुरकीर तो आते रहते ना जी पहली बार ही आए थे अभी बंद खड़े यार कोई फर्क पैंता इन्ने जने जे किसान वाला हाँ जी हाँ जी वीर जी पैंता पता लगता जिन्होंने नहीं पता जो देखते हैं पढ़ते हैं तो उन्होंने पता लगता भी की गल है तो बहुत जे उ बहुत जाना जाते हैं आते हैं तो उन्होंने सारे पता लगता इन्होंने वीर भीर धन्यवाद भरा सो इधरले पासे बांगा तो गल करते हैं भाई जो यूथ के चेंज आया किसान अंदोलन करके तुम आप एक्सपीरियंस तो की कह सकते बई जी पिछले जे आप वीक सालों तो देखिए तो जी अवेयरनैस सी अपने यूथ के बिल्कुल घट गई सी आपां अपने मुढ़ले हकों का ही नहीं पता सी लेकिन जिमें हुण किसानी अंदोलन आ गया तो यह मनो भी अगले 25-30 साल तक अपनी कौम जाग गई बहुत इफेक्ट पिया बरीकियां नूं समझिया यूथ ने भी जिहड़ियां सरकारी नीतियां की चल रही हैं तो आपां उहनां दा मुकाबला किस तरह कर सकते हैं हालात तुसीं देखी है जी सारे देश के किसानी के हालात बहुत माड़े आ ये चीज़ा ना हर एक चीज़ आप कंट्रीब्यूशन देश के दे हर कोने के हर थान तो हो रहा खास करके मोहाली चंडीगढ़ वर्गे क्योंकि देश के दे व्डे शहर आ राजधानियां दो आप स्टेटा ने उत्थे जो आप यूथ आगे खड़ा जिहड़ा कदे यूथ गेड़ी रूट ते गेड़े मारदा सी अज जेकर वो किसानां वास्ते खड़ा तो एक मैं कहना बहुत वड्डी डिवेलपमेंट आ इस देश दे विच इस यूथ दे विच कि जिहड़ा आउण वाले समें वास्ते साडा भविख आ वो रोशन होऊगा तो लगातार ये भरा जिहड़े हैगे आ लगभग जिन्ने चिर मार्केट चलदे 8:30 तक खड़े रहिंदे आ ये भाई आउंदे किन्ने बजे आप फिर इत्थे मैं भी 6 बजे आया 6 बजे तो 8:30 तक चल हाँ जी हाँ जी भाई हाँ जी तो ये जड़ा किसी ने टेंट कहने लाया कोई हैगा बंदा वो पुराना यार कोई बंदा अच्छा भाई ने लाया सी भाई जो तो लाया सी यार झेडा नहीं कितिया किसी ने भी आ कि दबे दरियाना यार नहीं भाई जो पहले दिन एक्चुअली शुरुआत की तो जसमेर भाई नाल से अपने मोहाली से जो शुरुआत की असी एक बैनर दो इदा के पोस्टर से दिल्ली सिंघू बॉर्डर तो आए थे तो असी पोस्टर लैके मार्केट च निकल गए उतों साढ़े जुड़ते गए लोग यार फिर असी कहा कि साडा पक्का टिकाणा होना चाहिए जिथे बह के असी लोगों जागरूक करिए हुण देखो ये साढ़े को कानूनों की कापियां ने भाई क्योंकि लोगों को हाले भी डाउट है भी एक्चुअल कानून की ने यह तुसीं देखो पंजाबी भी है भी चाहे हिंदी च भी छापे हुए ने बहुत सौखी लैंगुएज छापे हुए ने जो तुसीं देखो भी लोगों नूं आम लोगों नूं समझ आ सके भी एक्चुअल दे विच इहदे नुकसान की ने लोगों नूं ना हाले तक समझ ही नहीं आ रही भी इहदा नुकसान की आने वाले टाइम दे विच यही चीज़ नूं लैके असीं भाई पहले दिन तो बस शुरुआत करके अज तुहाडे सामने इत्थे वाहिगुरू दी कृपा नाल तो लगातार जिहड़ा हैगा तुसीं देख सकदे हो इत्थे भरा वर्गे सारे खड़े आ नौजवान खड़े आ बड़ा चंगा लगता जदों देखदा नौजवान कुछ उसारू काम करता है ना तो बहुत आप कहे मैं भी इन्हों एक तरह का हौसला देने वास्ते जे तक इन्हों गलां पहुँचाने वास्ते आया जदों कदे भी मोहाली आऊँ तो जरूर 3B2 के गेड़ा मार के जाए उस तो कला 3B2 नहीं जिन्हें भी चौंक आ चाहे कितने 10 खड़े आ कितने 50 खड़े है हर थां दे उत्ते कोई ना कोई जिहड़ा हैगा किसानी झंडे नूं जिहड़ा खड़ा करन वाला हैगा ही है चाहे मटका चौक ला लो चाहे कितें भी होर चल जाओ हर थां दे उत्ते जिहड़ा हैगा किसानी अंदोलन आपदी छाप छड रहा लोग देखदे आ आउंदे आ जुड़दे आ जांदे आ बने रहो गुरप्रीत कोटली फेसबुक पेज नाल गुरप्रीत कोटली यूट्यूब चैनल तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद।